चलिए, इस सवाल में भी परचेज कंसिडरेशन निकालना है, लेकिन हर एक सवाल के ऊपर एक बात लिखा हुआ था, पॉइंट लिखा हुआ था सर। क्या लिखा हुआ था सर? एक पॉइंट, पॉइंट ये लिखा हुआ था कि आपको नेट एसेट्स मेथड से निकालना है या नेट पेमेंट मेथड से। इस सवाल में कुछ भी नहीं कह रहा कि आपको नेट एसेट्स मेथड से निकालना है या नेट पेमेंट। हम इस सवाल को दोनों मेथड से कर लेंगे, और एक बात ध्यान रखना, दोनों मेथड से आंसर हमेशा अलग आता है। ऐसा नहीं है कि नेट एसेट्स मेथड हो चाहे नेट पेमेंट मेथड हो, तो दोनों से परचेज कंसिडरेशन ऑलवेज सेम आएगा। दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों से आंसर सेम आ भी सकता है और अलग भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सवाल पढ़ लेते हैं, जानकारी क्या देता है वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सर, इसके अंदर कुछ लाइबिलिटी और कुछ एसेट्स दे रखा है हमें। कहता है द कंपनी टेकन ओवर राधा लिमिटेड, और ये राधा लिमिटेड का द कंपनी टेक ओवर बाय राधा लिमिटेड। अच्छा, राधा लिमिटेड ने खरीद लिया है इस वृंदा लिमिटेड को। तो वृंदा लिमिटेड एक कंपनी है जिसको राधा लिमिटेड खरीदने जा रहे हैं। इसके बाद कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन इफ एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब हमें सवाल में देखना पड़ेगा कि अगर सारे एसेट्स की हमें मार्केट वैल्यू मिल जाए तो हम मार्केट वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, यानी नेट एसेट्स मेथड से भी निकाल सकते हैं। और अगर सवाल में ये पता चल जाए कि सामने वाली कंपनी को बोला गया तेरे को ये दे देंगे, तो नेट पेमेंट मेथड से भी आ जाएगा। कहता है राधा लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस वृंदा लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट के हिसाब से। कहता है एग्री टेक ओवर ओनली द एसेट्स ऑफ, कहता है इसके सारे एसेट्स नहीं लेंगे, जो इसके अच्छे एसेट्स है वही लेंगे। कहता है राधा लिमिटेड एग्री टेक ओवर ओनली द एसेट्स ऑफ वृंदा लिमिटेड। कौन कौन से एसेट्स? ओवर ओनली द एसेट्स ऑफ, इसके सारे एसेट्स लिए जाएंगे। राधा लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वृंदा लिमिटेड टुक द वैल्यू ऑफ एक्सेप्ट, मतलब गुडविल नहीं लेंगे, गुडविल को छोड़ देंगे। कहता है कि राधा लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ वृंदा लिमिटेड बुक वैल्यू, सबके बुक वैल्यू को लिया जाएगा, लिमिटेड के बुक वैल्यू को एक्सेप्ट। गुडविल का बुक वैल्यू नहीं लेंगे हम, लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू नहीं लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू नहीं रहेंगे। आगे कह देता है प्लांट एंड मशीनरी विच आर वैल्यू 10% एंड 40% एंड 50% मोर देन द बुक वैल्यू। हर किसी को हम बुक वैल्यू पे ले लेंगे, लेकिन जो ये एसेट्स दिख रहा है ना, ये तीन एसेट्स, इसको बुक वैल्यू पे नहीं लिया जाएगा, मार्केट वैल्यू पे हम लेंगे। कहने का मतलब है भैया गुडविल जो है विच आर वैल्यू 10%, गुडविल को हम 10% की वैल्यू पे उठाएंगे, और उसका जो लैंड एंड बिल्डिंग है 40% की वैल्यू पे उठाएंगे, और सॉरी 15% मोर देन, ज़्यादा 10% से ज़्यादा पे उठाएंगे, और 40% से ज़्यादा पे 15%। यानी इस लाइन का कहने का मतलब क्या है सर? इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो हम इस कंपनी के सारे एसेट्स लेने के वचन दे रहे हैं आपको, तो सारे एसेट्स नहीं लेंगे। एक तो हम आपकी कंपनी का गुडविल नहीं लेंगे, एक आपके कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेने वाले, एक आपका प्लांट एंड मशीनरी नहीं लेंगे। और ये सारे एसेट्स नहीं लेने का मतलब बुक वैल्यू पे नहीं लेंगे, मतलब जितना साहब इसके अंदर दिख रहा है उसी वैल्यू पे नहीं लेंगे, इसका हम वैल्यूएशन करके लेंगे, और बाकी जितने भी एसेट्स हैं स्टॉक डेटर उसे हम इसी वैल्यू पे ले लेंगे। आगे कहता है उसका वैल्यूएशन 10% 40% 15% मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिवली। मतलब सर जो भी वैल्यू दे रखा है इससे ज्यादा वाले वैल्यू को हम इसको कंसिडर करके लेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो यानी यहाँ एसेट्स लेने की बात हुई तो कुछ एसेट्स को बुक वैल्यू पे लिया जा रहा है, कुछ एसेट्स को मार्केट वैल्यू, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें नेट एसेट्स मेथड का भी बन सकता है हिसाब किताब। आगे राधा लिमिटेड टेक ओवर द एसेट्स ऑफ वृंदा लिमिटेड 10% लेस देन द बुक वैल्यू एक्सेप्ट द, सबको 10% बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग तो ऊपर भी था, एंड लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट फिगर। कहता है राधा लिमिटेड ने टेक ओवर किया एसेट्स ऑफ वृंदा लिमिटेड 10% लेस देन द बुक वैल्यू। कहता है 10% लेस देन लेके हम जो बाकी का बच गया बुक वैल्यू उसका 10% कम करके लेंगे, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग क्यों कहा गया? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर ही आ गया, एंड हमारा लैंड एंड बिल्डिंग आ गया था ना इस वाले पार्ट में, हाँ, और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में, और जो लाइबिलिटी दे रखा है उसके ऊपर इसको छोड़कर बाकी सभी को हम ले लेंगे। बाकी लाइबिलिटी लिखना नहीं चाहिए था यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं।
अगला पांचवा पॉइंट, यानी अभी तक देखोगे ना तो ये सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एमलगमेशन का एक पार्ट है कि जितना आप इसको समझोगे फिर करोगे तो आंसर बड़ा छोटा सा निकलता है। क्वेश्चन कितना ही बड़े बला लॉन्ग हो चाहे ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें आपको आंसर बहुत छोटा निकल के आएगा। कहता है राधा लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वृंदा लिमिटेड। ओके एग्रीड वैल्यू, एक मिनट एक मिनट, फिर से मिटा देते हैं। कहता है द फॉलोइंग कंडीशन, कहता है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव, ये हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, हम उसके बैलेंस शीट के बेसिस पे एसेट्स ले लेंगे, पहले केस के हिसाब से पीसी निकालिए। दूसरे केस में कहा गया, तीसरे केस में कहा गया, चौथे केस में कहा गया, पांचवें केस में क्या कह रहा है, मैं एक एक केस करके कर देता हूं यहां, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहले केस में कहा गया उसके एसेट्स लेंगे, केस नंबर वन, पहले केस में कहा गया एसेट्स लेंगे, मैं पहले थोड़ा सा मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो इसकी बात क्या है, कहता है एसेट्स लेंगे, एसेट्स लेंगे तो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू या फिर टोटल, बोलता है जो एसेट्स है उसी वैल्यू पे ले लेंगे, एसेट्स का वैल्यू। चलिए सर एसेट्स वैल्यू क्या क्या दे रखा है, गुडविल, गुडविल कितने का है, नंबर दो लैंड एंड अमाउंट बताते जाइएगा बस, तीन कितने, फर्नीचर स्टॉक स्टॉक के बाद डेटर, डेटर कितने का, डेटर के बाद बीआर, बीआर के बाद कैश कितने, 3,10,000। बैंक के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को नहीं लिया जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, नेट एसेट्स में बताया था कि इसको नहीं लिया जाएगा। अब माइनस टोटल कर लेते हैं इसको, और इसमें से लेस क्या कर देंगे, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड को छोड़ दीजिए, सर इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तीन चीजें आ जाएंगी, यानी सर डिबेंचर 5,00,000, डिबेंचर के बाद क्रेडिटर 195। कैलकुलेशन करते रहिएगा आप, बिल्स पेबल 60,000, टोटल कर देते हैं इसको, इसका टोटल क्या आएगा, इसका 2,00,000, उनतीस लाख 50,000, 21,95,000। केस नंबर वन डन, केस नंबर टू थोड़ा सा अलग है, सर कैन यू प्लीज शेयर मी द लिंक, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। आप कौन से लिंक की बात कर रहे हैं, इक्कीस लाख समझ में आया पहला केस,
दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? इस वाले मेथड में हमें कितना परचेज कंसिडरेशन देना है और निकालना पड़ता है, उस वाले मेथड में पहले से गिवन होता है कितना पैसा देना है। अभी देखो इसके अंदर आ जाएगा मे बी कौन सा लगने वाला है इसमें। ये वाला केस आपका ये अभी देखिए इसी के अंदर आ जाएगा। केस नंबर टू कौन बच्चा करके दिखाएगा? केस नंबर टू में क्या कहता है देखो, राधा लिमिटेड एग्री टेक ओवर ओनली द एसेट्स ऑफ, बोलता है हम सिर्फ इसका एसेट्स लेंगे, बाकी कुछ लाइबिलिटी वाइबिलिटी लेने के जिम्मेदार नहीं है। एसेट्स में भी अगर ध्यान दो तो ये जो दो एसेट्स है ये एसेट्स का पार्ट ही नहीं है। तो हमने जो इसका टोटल किया है दैट इज, आप देखोगे इस सवाल को तो यानी इसके अंदर पीसी अगर इसी सवाल को करें सेकंड केस में सब कुछ सेम सेम, इसका पीसी आ जाएगा 29 लाख। लीजिए जी आ गया सेकंड केस कंप्लीट, समझ में आ रहा है सेकंड केस? थर्ड केस देखें, थर्ड केस कहता है राधा लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वृंदा लिमिटेड एट बुक वैल्यू, राधा लिमिटेड टेक ओवर वृंदा लिमिटेड के बुक वैल्यू पे करेगा एक्सेप्ट इन चीजों को मार्केट वैल्यू पे लेगा। इसका मतलब सर केस नंबर थ्री, अभी सिर्फ हम पीसी निकालना सीख रहे हैं सिंपल सिंपल, आप शिफ्ट हो जाओ दूसरी जगह। ठीक है कुछ केसेस है, केस नंबर थ्री करने जा रहे हैं। कहता है सारे एसेट्स ले लेंगे कुछ एसेट्स को छोड़कर, जिसमें से कहा गया गुडविल, जिसमें से कहा गया प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें से कहा गया लैंड एंड बिल्डिंग, इनको हम अपने हिसाब से वैल्यूएशन लगाएंगे जो सवाल में कह रहा है, बाकी को बुक वैल्यू पे। गुडविल 2 लाख है कहता है 10% ऊपर पे ले लो, तो 2 लाख रुपए का अगर हम प्लस कर दें इसके अंदर, 2 लाख का अगर हम इसमें प्लस कर दें 10% ऊपर दैट इज 2 लाख, समझ रहे हो? आगे कहता है इसके अंदर के भैया लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख है, तो लैंड एंड बिल्डिंग देखा जाए तो हमारा कौन सा दूसरा पॉइंट था उसको 40% ऊपर ले लेना है, तो 15 लाख रुपए था इसमें प्लस कर देंगे इसका 40% दैट इज 21 लाख, और लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या कहता है? ये लैंड एंड बिल्डिंग था ना, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख है, तो मैं थोड़ा इसे शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर नीचे हो गया, ये यहाँ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी नीचे आ जाएगा। हाँ जी क्या हो गया आपको? प्लांट एंड मशीनरी देखा जाए तो कितना था? 3 लाख इंटू प्लस कितने परसेंट होगा? 15%, 15% कितना हो जाएगा इसका? 3 लाख। सभी कैलकुलेट करेंगे ऑफलाइन वाले, मैं जिससे पूछूंगा उसको जवाब देना होगा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर 50,000, सर उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं बोला गया। फर्नीचर के बाद स्टॉक 4 और डेटर 160, स्टॉक 4 लाख और डेटर
1,60,000। इसके बाद बताते जाइए, बी आर, बी आर 30,000, कैश 3,10,000, इसके बाद बाकी के फिक्टीशियस एसेट्स है जिसको लेना नहीं है, इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस कर देंगे डिबेंचर, दैट इज कितने का था, 5,195,60, 5,00,000। और क्या माइनस कर दें, क्रेडिटर, सर क्रेडिटर 1,95,000 और बिल्स पेबल 60, और बिल्स पेबल, चलिए सर टोटल बताएं, इकट्ठा ही बता दें, सर 28,00,000। मैंने केस इसी में बना दिया, केस 3 डन। अब सवाल देख लीजिए, ये था केस 3 का आंसर, डन हो गया। केस नंबर 4 में क्या कहता है इसी, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने लिख लिया है। केस नंबर फोर, राधा लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ वृंदा लिमिटेड। कहता है कि राधा लिमिटेड सिर्फ उसके एसेट्स को लेने वाला है, राधा लिमिटेड टेक ओवर बिजनेस नहीं कहा इसने, इसने कहा कि हम उसके एसेट्स को टेक ओवर करेंगे 10% लेस देन द बुक वैल्यू, एक्सेप्ट 10% बुक वैल्यू से कम के करेंगे, यानी लैंड और बिल्डिंग और लाइबिलिटी को, लैंड एंड बिल्डिंग और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में फिगर है, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी डिजिट है उसमें 10% की कमी कर देंगे। समझ में आई बात, आप पढ़िए लाइन। कहता है राधा लिमिटेड टेक ओवर द एसेट्स ऑफ वृंदा लिमिटेड 10% लेस देन द बुक वैल्यू एक्सेप्ट, 10% कम पे लेंगे, लेकिन इसको छोड़ दो भाई, इस पे 10% कम मत करना, एक एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग पे और एक लाइबिलिटी पे। तो हम अगर यहां पे देखें तो, बट सीधी सी बात है, जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, ये गुडविल जो रहेगा वो 2,00,000 ही रहने वाला है। केस नंबर 4, लैंड एंड बिल्डिंग कितना रहने वाला है, 15,00,000, नहीं गुडविल भी कम होगा ना 10%, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ने को बोला गया और हर किसी को क्या बोला गया, 10% कम कर दो। तो ये हमारा 2,00,000 का था, तो ये 2,00,000 का यानी 1,80,000 हो जाएगा, 20, 3,00,000 का था 10% कम करोगे 30,000, तो 2,70,000 हो जाएगा, 50,000 का था 10% कम करोगे 45,000 हो जाएगा, 4,00,000 का था 10% कम करोगे कितना आ जाएगा, 3,60,000 आ जाएगा, डेटर 1,60,000 का था 16,000 कम करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1,42,000 या 46,000, 44,000। 30,000 रुपये का बीआर था, 10% कम करोगे 3,000 रुपये, तो 27,000 आ जाएगा। कैश कम कर ही नहीं सकते भाई साहब, कैश में क्या कमी करोगे, ये चीज थोड़ा सा आपको लगाना है दिमाग, भैया कैश कहाँ से कम कर देंगे हम वहां पे। हालांकि मेरे हिसाब से इस सवाल के अंदर लिख देना चाहिए था एक्सेप्ट कैश भी, अगर नहीं लिखा है, सवाल दे रखा है तो सवाल गलत मानो, क्योंकि कैश की वैल्यू में कभी कमी नहीं आएगी, ठीक है ना, हम तो प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हैं, इस पे कोई कमी नहीं रहेगा। चलिए सर टोटल कर लेते हैं, बताइए क्या आ रहा है, 1,80,000, 15,00,000, 2,70,000, 22,00,000, 3,45,000 कैसे आया, कौन से 3,45,000, 15% ऐड करके आया, वो 15% ऐड करके आया,
हाँ जी, नीचे लाइबिलिटी भी बोल दिया था लास्ट में उसने, माइनस करेंगे ना। कहता है लाइबिलिटी, बोला कि एसेट्स की वैल्यूएशन ही, और लाइबिलिटी का मत करिएगा कोई भी वैल्यूएशन। केस नंबर चार, बाईस लाख बावन हजार टोटल चेक कर लेना भाई एक बार, मेरे को लग नहीं रहा टोटल ठीक किया है जिसने भी किया। सर पॉइंट चार का 15,50,000, 15,50,000 क्या कह रहे हैं, वो तो 15 लाख ही रहेगा बुक वैल्यू पे। सर 2,20,000 क्यों भाई, इसके अंदर कह रखा था 10% से बढ़ा दो, केस नंबर थ्री में, फोर में कह रहा था 10% घटा। इसका टोटल चेक कर लेना भाई, क्रॉस चेक कर लो, मेरे को गलत लग रहा है ये टोटल। यार है 20,81, भाई टोटल सही किया करो, किसने बताया था ये टोटल? आप खड़े हो जाओ, हाँ जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आके बैठो, खड़े होके इधर बैठो पहले, आपको परेशानी ज्यादा हो रही है मेरे ख्याल से। या यहाँ आके बैठो, आगे बैठो, आगे इतना फूल कुमारी मत बनो, फटाफट आ जाओ जल्दी से। हाँ तो क्या है इतना इधर उधर, जल्दी आना एक रजिस्टर पेन लेके। बीस दस ठीक है, चलिए सर। केस नंबर पांच, कैलकुलेटर निकाल लो। ठीक है सर, केस नंबर पांच, पांच में देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है केस नंबर चार की बात करें तो आप ना सारे एसेट्स की वैल्यू 10% घटा दीजिए, लेकिन एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़कर, किसको? एक लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को मत घटाइएगा, और एक लाइबिलिटी की भी वैल्यू को मत घटाने बढ़ाने की कोशिश करिए आप, उसको वही वैल्यू रखिए जो है, और बाकी सभी में 10% की क्या कर दीजिए, कमी कर दीजिए। और देखा जाए तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 15 से 15 ही रखा, बाकी सभी वैल्यू में आप देखेंगे कंसिस्टेंटली 10 लाख, 10% और बाकी। समझ में आई बात आपको? हाँ जी। केस नंबर पांच कहता है राधा लिमिटेड एग्री टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वृंदा लिमिटेड, बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीड द वैल्यू ऑफ, कहता है एग्रीड ऑफ वैल्यू ऑफ 15,50,000 पेबल फॉर्म ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपीज ईच, और 100 रुपीज ईच और 125 रुपए का एक शेयर होगा बैलेंस एंड कैश। इसका मतलब क्या है, कौन सा मेथड लग रहा है? कह रहा है कि राधा लिमिटेड ने बोला कि भैया मैं तेरे एसेट्स कंपनी को ले लूंगा, और मैं एग्री करता हूं कि तुझे कितना पेबल करूंगा, 15,50,000 ही दूंगा मैं तुझे। इस 15,50,000 को देने के फॉर्म में तेरे को 10,100 रुपए और 125 वाला तो तेरे को दे दूंगा इक्विटी शेयर। समझ रहे हो बात? इस 15 लाख, यानी राधा लिमिटेड जो है उसने डिसाइड कर लिया कि भाई तेरे को देना ही ये 15,50,000 है। तो अब यहां पे एसेट्स और लाइबिलिटी का तो खेल ही खत्म हो गया। तो कौन सा मेथड हो गया? नेट पेमेंट मेथड हो गया। तो 15, अगर पीसी पूछो तो सर पीसी यही है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देना है कि कितना इक्विटी और कितना कैश। तो कहता है भैया तेरे को 10,000 इक्विटी दे देंगे, 125 वाला और 100 वाला, और बैलेंस कैश दे देंगे। तो अगर अगर देखा जाए, केस नंबर क्या था हमारा, पांच, तो भाई मैं तुझे इक्विटी शेयर दे दूंगा, इसने कहा कितने, 10,000, एक का 100 रुपए था, लेकिन हमारा मार्केट वैल्यू 125 है, तो 125 के हिसाब से देखा जाए तो 12 लाख, और टोटल मैंने तेरी वैल्यूएशन लगाया है पीसी में 15 लाख
और बाकी जो पैसा बच रहा होगा वो तुझे मैं क्या दे दूंगा, तो आप बताइए कितना कैश जाएगा। खत्म केस नंबर 5। देखिए ठीक है, शुभम ने बता दिया, गुनगुन ने भी बता दिया, कोई दिक्कत। अगले पॉइंट पे आए, लास्ट। चलिए सर लास्ट पॉइंट। कहता है राधा लिमिटेड ने, इसको मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, है ना, जैसे जैसे होता जा रहा है थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, पेमेंट वाले में तो बैलेंस शीट की जरूरत ही नहीं है ना। ये देखिए, जिसको नहीं दिख रहा होगा अब दिख जाएगा, ये इसका पार्ट है, वो आप वीडियो में से देख के वो नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या कहता है, राधा लिमिटेड डिस्चार्ज टू, बोलता है डिस्चार्ज हम इस तीन चीजें से करेंगे। कहता है डिस्चार्ज 12% डिवेंचर एट अ प्रीमियम, इसका जो डिवेंचर होल्डर है उसको 10%, जो 12% डिवेंचर उसको 5% डिवेंचर देंगे बाय इशू ऑफ डिवेंचर राधा लिमिटेड। बोल रहा है जो भाई तुम्हारी कंपनी के डिवेंचर होल्डर है उसको हम अपनी कंपनी के डिवेंचर दे देंगे प्रीमियम पे, बात खत्म। एक तो ये बात करी। अब कहता है हम इशू कर देंगे 11% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का एक, एवरी 8 शेयर इन वृंदा लिमिटेड। भाई बोलता है तुम्हारे कंपनी में जितने भी शेयर्स हैं ना, एवरी शेयर्स, जितने भी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर है, हर एक 8 शेयर के बदले हम अपनी कंपनी का क्या कर देंगे, एक शेयर दे देंगे। इशू प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज ईच फॉर एवरी 8 शेयर, हर एक 8 शेयर के बदले तुम्हें दे देंगे हम प्रेफरेंस शेयर। तो ये किसको देगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी ये शेयर का पार्ट है हमारा। कहता है पे 20 रुपये पर इक्विटी शेयर इन कैश, और हम तुम्हें 20 रुपये हर शेयर के बदले, इक्विटी शेयर जितने भी नंबर होंगे ना, हर शेयर के बदले 20 रुपये दे देंगे, एंड इशू 6 इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच एट अ प्रीमियम 10% फॉर 5 इक्विटी शेयर इन वृंदा लिमिटेड। कहता है कि भैया तुम्हारे 5 इक्विटी शेयर हम रख ले गए, उसके बदले तुम्हें 6 इक्विटी शेयर देंगे, और जो 6 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे वो दिया जाएगा 10% के प्रीमियम पे, दैट इज 110 रुपये का आपको एक शेयर दिया जाएगा। समझ में आई बात आपको। अब यहां पे जो पहला पॉइंट है, क्या ये पीसी का पार्ट है, मुझे जवाब दीजिए। पहला पॉइंट पीसी का पार्ट है, क्योंकि ये किसको दिया जा रहा है, उसके डिबेंचर होल्डर को दिया जा रहा है, और डिबेंचर होल्डर आउटसाइडर लाइबिलिटी है। अब वहां के शेयर होल्डर को देने की बात करें तो सिर्फ दो ही बातें हैं, एक इशू प्रेफरेंस शेयर एवरी 8 के बदले, और एक क्या दिया जा रहा है हमें, इक्विटी शेयर, जो भी बोल रखा है यहां पे कि 6 शेयर दे देंगे हर एक 5 शेयर के बदले। अब यहां पे प्रेफरेंस शेयर एवरी 8 शेयर इन वृंदा, तो आ जाइए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसे, हम प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमारे अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं साहब, 8,100,000 रुपये, यानी 8,000 तो हमारे प्रेफरेंस शेयर है, जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे, पीछे लिख लेते हैं। चलिए अगला मेथड, लास्ट केस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं, 8,000 है, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। और सर इक्विटी शेयर अगर 100 रुपये का एक है और 12 लाख है तो कितने का हो गया, जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो 12,000 था, कहानी यही है। कहा गया भाई तुम्हारे हर एक 8 के बदले, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ध्यान से देखिए, कहा गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर तुम्हारे हर एक 8 शेयर के बदले हम तुम्हें एक शेयर देंगे 100 रुपये वाला। ठीक है भाई 8 शेयर के बदले दोगे तो डिवाइड 8 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, तो कितने का मिल गया, 800 × 100, 800 नहीं 1,000 × 100 कितने होते हैं, 1 लाख या 10 लाख, 1 लाख। दूसरा कहा गया कि भाई हम 20 रुपये हर इक्विटी शेयर के बदले दे देंगे, अच्छा कैश, तो बताइए कैश कितना जाएगा, 12,000 इक्विटी शेयर थे और हर एक के बदला 20, तो 12,000 × 20, एक तो ये दे देंगे हम आप, और इक्विटी शेयर पे क्या कहानी कह रहा है,
कह रहा है भाई इक्विटी शेयर तुम्हें 6 देंगे और 6 की कीमत होगी 10% प्रीमियम पे, यानी 110 रुपये पर 5 शेयर के बदले। मतलब सर 5 शेयर के बदले डिवाइडेड बाय 5 इंटू में हम कितने देंगे, 6, और जो प्राइस होगा 110 प्रीमियम पे होगा ना। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, 12,000 डिवाइड 5 इंटू में 6 इंटू 110, 15,84,000। अब ये आ गया हमारा पीसी, ₹19,00,000। तो इस सवाल में दोनों चीजें था, समझ में आया, पांचों केस। तो आपको अब देखो इस सवाल में क्या क्वेश्चन ने कहा कि इस मेथड से करो, नहीं कहा। वो आपकी समझदारी है कि जानकारी क्या दे रहा है। अगर उसको पेमेंट के बारे में बता रहा है डायरेक्टली तो समझ जाएंगे भैया ये नेट पेमेंट मेथड है, और अगर एसेट्स बोल रहा है इतने का लूंगा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू, तो ये हिंट दे रहा है कि भैया नेट एसेट्स मेथड है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि भैया मेथड कौन सा लगेगा। समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है यहां तक?